संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत से पहले सोमवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा और लोकसभा में आज फिर से विपक्ष ने पेगासस मुद्दे पर हंगामा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच 4 बार के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस बीच बीएस येदियुरप्पा कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। इस्तीफा सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि आलाकमान से उन पर कोई दबाव नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। नई दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भारतीय नौसेना गोवा में नौसैनिक प्रतिष्ठानों की जमीन से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन को निष्क्रिय कर देगी क्योंकि इसे नो फ्लाई जोन के रूप में नामित किया गया है। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, गोवा में नौसेना प्रतिष्ठानों की जमीन से 3 किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन के रूप में नामित किया गया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि वो इस मामले में जांच पूरी कर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जब प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है तो कानून अपना काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई अपनी जांच करे और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में आज 2 विधेयक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2021 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2030 पारित हुआ। कथित पेगासस जासूसी मामले में जारी सियासत के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को जांच आयोग का गठन करने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट एवं कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। ओडिशा के जगन्नाथ धाम के लोगों और दुनिया भर से यहां आने वाले पर्यटकों को अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना ही अब पैसा खर्च कर पानी खरीद कर पीना पड़ेगा क्योंकि अब यहां के हर नल से उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल मिलेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के बाद पार्टी के यूथ विंग के प्रमुख सुमित्र खान ने सार्वजनिक माफी की पेशकश की। साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अभियान को और तेज करने की कसम खाई। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है जिसमें विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल एक फ्लेक्स बोर्ड पर मुख्यमंत्री विजयन की तस्वीर लगी है जिसमें उन्हें केरल का भगवान बताया गया है। ये फ्लेक्स बोर्ड पलानीचेरी के पचेरी महाविष्णु मंदिर के नजदीक लगाया गया है। भारत चीन सीमा पर पिछले लंबे समय से तनाव जारी है, इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया केंद्र सरकार को चीन की हरकतों से निपटने की तरकीब पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की हरकतों को नजरअंदाज करने से भविष्य में मुश्किलें पैदा होंगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए भारत चीन के मिलिट्री ऑफिसर्स की 12वें दौर की बैठक 31 जुलाई को होगी। चीन ने पहले 26 जुलाई को बातचीत की पेशकश की थी लेकिन भारत ने कारगिल विजय दिवस की वजह से मीटिंग को किसी और दिन करने की मांग की। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें कहा गया कि अगर ड्रोन जैसी कोई वस्तु संवेदनशील क्षेत्र की पास उड़ती नजर आए तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। ड्रोन जैसी वस्तु संवेदनशील एरिया और उसके पास आती है तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा लहराएं या फिर उसे महत्वपूर्ण स्थान पर उतरने के संकेत दें। यह
बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ। इस दौरान विधानमंडल में सांकेतिक विरोध के दौर पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सतीश दास और मुकेश रोशन हेलमेट पहनकर सदन पहुंचे। उन्होंने अपने साथ मेडिकल किट भी ले रखा था। राजद विधायक ने कहा, सदन में आने से डर लगता है, इसलिए उन्होंने हेलमेट पहन रखा है। सचिन पायलट ने कहा, भारत टीका उत्पादन का केंद्र है, लेकिन सरकार अपने ही लोगों के लिए टीके की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। लोग महंगाई से परेशान है और बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो भाजपा को चुनौती दे सकती है और लोगों को एक विकल्प उपलब्ध करा सकती है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार गिराने की कथित रूप से साजिश रचे जाने वाले मामले को लेकर सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द से जल्द रिहा करे, मामले की जांच के लिए SIT गठित करे। भाजपा में वसुंधरा राजे को CM चेहरा घोषित करने की नेताओं की मांग पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने मोर्चा खोला है। विधायक मदन दिलावर ने कहा, BJP की ताकत जनता और कार्यकर्ता है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को NDA की बैठक का बहिष्कार कर दिया। CM नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक में उनको छोड़कर सभी सहयोगी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। सहनी विधानसभा के पीछे की गेट के बाहर निकल गए। उत्तर प्रदेश में पुलन देवी की मूर्ति नहीं लगाने देने पर नाराज बताए जा रहे हैं। दोबारा सक्रिय मॉनसून के चलते पिछले 3 दिनों से पूरे गुजरात में जोरदार बारिश का दौर जारी है। सोमवार सुबह से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 88 तहसीलों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। बता दें, राज्य में सीजन की 30% बरसात हो चुकी है। सावन का आज पहला सोमवार है, लेकिन कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से बाबा बैद्यनाथ धाम में सन्नाटा पसरा है। सोमवार को कुछ श्रद्धालु पूजा के लिए आए, पर उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली। भक्तों के लिए जिला प्रशासन ने मंदिर से लाइट दर्शन की व्यवस्था की। प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र खंकराई में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी आबकारी मंत्री पर कई सवाल खड़े किए। वहीं विपक्ष के आरोपों पर भड़के आबकारी मंत्री का कहना है कि अपराधी मंत्री का क्षेत्र देखकर अपराध नहीं करता, आपराधिक घटना कहीं भी हो सकती है। कांग्रेस ने मंदसौर में जहरीली शराब कांड को मुद्दा बनाकर प्रदेश सरकार पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने राज्य सरकार पर अवैध शराब माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाए और कहा कि मध्य प्रदेश में जब से खरीदे हुए जनादेश की सरकार बनी है, तब से माफिया तंत्र लोगों की जान ले रहा है। डबरा में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने डबरा शहर में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। इस अवसर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश की आजादी में शहीदों के योगदान को हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे। अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा क्षेत्र के झरने पर गुजरात से आए कुछ सैलानी नहा रहे थे। इस दौरान अचानक से पानी बढ़ने की वजह से 2 लोग झरने में फंस गए, जिन्हें देर शाम पानी कम होने के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। विधायक आरिफ मसूद ने भगवान के भजन गाने वाली महिलाओं को ढोलक और मंजीरे वितरित किए, ताकि महिलाएं भजन कीर्तन करती रहें। विधायक का कहना है कि उन पर कट्टर पंथ के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वह सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं। भिंड में पंचायत कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। पंचायत कर्मियों का कहना है, सरकार हर तरीके से दबाव बना रही, लेकिन पंचायत कर्मी मांग पूरी होने तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। वहीं पंचायत कर्मियों की हड़ताल की वजह से पंचायत के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। सिडनी
यूपी के घनसौर में ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के तीसरे दिन भी सभी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने भगवान शिव का अभिषेक किया। बता दें कि संयुक्त मोर्चा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जनपद घनसौर प्रांगण में धरना दे रहा है। गोटेगांव में संयुक्त मोर्चा सचिव संगठन धरना प्रदर्शन कर रहा है। पंचायत सचिवों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं धरना प्रदर्शन की वजह से पंचायतों का काम भी बाधित हो रहा है। बैलर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच बने गणेश मंदिर की दान पेटी पर हाथ साफ कर दिए। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की छानबीन शुरू कर दी है। समाजसेवी सायना परवीन की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोहम्मद सैयद नजाकत ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर पौधारोपण किया। नजाकत ने बताया, इस्लाम में पौधे लगाना सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। कोरोना संक्रमण की वजह से बंद स्कूलों को फिर से खोला गया है। जबलपुर के सभी स्कूलों में 11वीं 12वीं कक्षाएं शुरू हो गई हैं, जबकि 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से शुरू की जाएंगी। हालांकि इस दौरान कोविड-19 का पूरी तरह से पालन जरूर किया जाएगा। तेज बारिश होने की वजह से जबैरा का शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का मैदान तालाब में तब्दील हो गया है। इसकी वजह से आने में शिक्षकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पानी भरा होने की वजह से विद्यालय परिसर की बिल्डिंग में भी सीलन आ रही है। नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक शासकीय अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और 9 अगस्त को सामूहिक अवकाश घोषित करने की मांग की। श्योपुर के बरगवा में सूखी पड़ी मीठी नदी में अचानक से पानी आ गया, जिसकी वजह से पुलिया से निकलने वाली बस पानी के तेज बहाव में आने से बहने लगी। इस दौरान उसमें बैठे यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। सिंगरौली जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री वंश मणि वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व मंत्री वंश मणि वर्मा कलेक्टर को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं, जो शब्द सामान्य तरीके से IAS अधिकारी के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। बुधनी को मॉडल टाउन बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी को लेकर भोपाल से आई टीम ने सीहोर कलेक्टर के साथ नगर के मुख्य क्षेत्रों का भ्रमण किया और नगर के सौंदर्यकरण को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत ने सब्जी बाजार और अंडर ब्रिज की मांग से कलेक्टर को अवगत कराया। भिंड के गौहद में सरकारी अस्पताल के मीटिंग हॉल में बर्थडे पार्टी मनाई गई, जो कि नियम के विरुद्ध है। आपको बता दें कि डॉक्टर धीरज गुप्ता की बेटी का जन्मदिन था। इस मौके पर डॉक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अस्पताल के मीटिंग हॉल में पार्टी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आज पंचायत कर्मियों ने स्थानीय विधायक गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर विधायक ने पंचायत कर्मियों का समर्थन करते हुए विधानसभा में बात रखने की बात कही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ईसागढ़ जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी अपनी कलम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसकी वजह पंचायत के काम प्रभावित हो रहे हैं और ग्रामीणों को भी पंचायत से जुड़े कई कामों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर
भारत सूत्री मांगों को लेकर नौगांव में सचिव एवं सहायक सचिव की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस हड़ताल की वजह से पंचायत के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष रविशंकर द्विवेदी का कहना है कि जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक पंचायत कर्मी वापस नहीं लौटेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर क्षेत्र विधायक के नाम मंडल अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पंचायत कर्मियों की हड़ताल की वजह से पंचायत के कामकाज ठप पड़े हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंज बासौदा में स्वर्गीय नारायण सदाशिव पिंगले संस्थान द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रकाश शर्मा और नगर के समाजसेवी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रायगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने देर रात चार ठगों को गिरफ्तार किया। ये ठग होलीडे कंपनी खोलकर लुभावने ऑफर ग्राहकों को चूना लगा रहे थे, जिस पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने ये कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांकेर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच रोकने के लिए पेगासस का सहारा लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। कबीरधाम के पंडरिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी की नियत से घर में घुसे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया पकड़े गए आरोपी प्रदीप बंजारे और मायाराम धुपे को गिरफ्तार किया है। कानपुर देहात में एक महिला को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। दरअसल महिला के पड़ोसी ने शराब के नशे में महिला के मासूम बच्चे को लाठी डंडे से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला और बच्चे ने गांव से भागकर अपनी जान बचाई। प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने 8 साल की बच्ची के साथ ट्रेन के आगे कूद कर जान दी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाहिता जूही जारी गांव की रहने वाली है, जिसने ट्रेन के सामने आकर जान दी थी। वहीं बच्चा हाथ जोड़कर भाग गया, जिससे उसकी जान बच गई। प्रदेश के हमीरपुर में अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके कारण जिले में एम्बुलेंस के पहिए थम गए। वहीं कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पीएचसी के सामने चक्का जाम कर दिया। कर्मचारियों ने ठेका प्रथा बंद करने और बीमा राशि दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्रों ने सैंड आर्ट बनाकर कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की।